पड़ रही है, पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हुई है। बर्फबारी से हरियाणा और एनसीआर में ठंड का कहर जारी है। प्रदेश के कई जिलों में धुंध छाई हुई है। आमतौर पर मकर संक्रांति के बाद काफी ठंड हो जाती है, लेकिन अगले 48 घंटे तक न्यूनतम तापमान में काफी गिरावट के आसार हैं। इसके अलावा चंडीगढ़, पंचकुला, अंबाला समेत कई जगहों पर तो बताया जा रहा है कि हल्की बारिश भी हुई है। मकर संक्रांति पर ठंड का रिकॉर्ड टूटा है, पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हुई है। बर्फबारी से हरियाणा और एनसीआर में ठंड का कहर जारी है। प्रदेश के कई जिलों में बताया जा रहा है काफी धुंध छाई हुई है, और आमतौर पर मकर संक्रांति के बाद ठंड कम होती है। अगले 48 घंटे तक न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम विज्ञान विभाग इसके लिए पहले ही चेतावनी जारी कर चुका है। अगले 2 हफ्तों तक कड़ाके की ठंड पड़ सकती है, और मकर संक्रांति पर बताया जा रहा है कि ठंड का रिकॉर्ड टूटा है। और हमारे साथ चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता, माफ कीजिएगा, फरीदाबाद से हमारे संवाददाता राजेंद्र दहिया जुड़ रहे हैं। राजेंद्र, क्या कुछ अपडेट है मौसम को लेकर और लोगों के मिजाज को लेकर? केशव, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, देखिए कल रात से काफी जो कड़ाके की ठंड यहाँ पर पड़ रही है, और बिल्कुल एक तरह से कहते ठंडी हवाएं चल रही है, जिससे सर्द हवाएं जिसको बोलते हैं वो चल रही है, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है। हालांकि हल्की कहीं बूंदाबांदी भी हुई है, लेकिन उससे किसानों में काफी खुशी की लहर है, क्योंकि बरसात इन दिनों में एक तरह से सोना बरसना के रूप में मानी जाती है, तो कहीं ना कहीं किसानों को फायदा, लेकिन ठंड ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी है, और आगामी दिनों में और ज्यादा ठंड हो सकती है। कुछ लोग भी हमारे साथ, ठंड से कितनी परेशानी होती है? ठंड से काफी परेशानी हो रही है, कल रात से काफी मतलब ठंड यहाँ पर बढ़ चुकी है और हवाएं भी चल रही है यहाँ पर ठंडी, जिसकी सुबह ड्यूटी जाने वालों को काफी दिक्कतें आ रही है बाइक चलाने में, और देखा जाए तो उससे किसानों को भी काफी मतलब अच्छा है। अच्छा, किसानों को अच्छा है, और कुछ और भी, क्या नाम है आपका? हरि जी, ठंड ज्यादा है आपकी बात? कल बूंदाबांदी भी हुई थी, काफी गरीब लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा। किस तरीके की परेशानी की आप बात कर रही? लोगों के पास कपड़े नहीं है, ठंड इतनी है, और भाग होते हैं लोग, गरीब लोग हैं, उनके लिए काफी परेशानी, तो काफी परेशानी है। केशव, साफ तौर पर सुन सकते हैं, जो लोग बेचारे रेहड़ी और पटरी लगाते हैं, या जो लोग बाहर सड़कों पर सोते हैं कई बार, उन लोगों के लिए काफी परेशानी का सबब ये सर्दी बनी हुई है। साफ तौर पर कह सकते हैं कि लगातार बढ़ती ठंड ने जो आम लोग है उनकी मुसीबतें बढ़ा दी। हालांकि फसल की अगर बात करते हैं तो फसल में कहीं ना कहीं इससे काफी फायदा है, अगर सूखी ठंड और ज्यादा बढ़ती है तो उससे कहीं ना कहीं सब्जी की फसलों में नुकसान होने की आशंका जरूर बनी हुई है। जी केशव, हालांकि आज आसमान राजेंद्र कुछ साफ भी दिखाई दे रहा है, हालांकि मौसम विभाग ने यह कहा है कि अगले दिनों में ठंड और ज्यादा पड़ने वाली है, बच्चों की छुट्टियों को भी बढ़ा दिया गया है, लेकिन आसमान अभी कुछ साफ दिखाई दे रहा है। देखिए, बिल्कुल आज सूर्यदेव के दर्शन हुए हैं, तो कहीं ना कहीं खिली हुई है धूप अच्छी, लेकिन उसके बावजूद जो ठंडी हवा चल रही है वो लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर रही है। सीधी हवा जब लगती है तो कहीं ना कहीं काफी ठंडी हवा है और उससे काफी लोग परेशान है, सर्द हवा इसको बोलते हैं, सर्द हवाएं चली हुई है जिससे लोगों को परेशानी होती है, और खासकर जो दुपहिया वाहन है, चालक हैं, उनको तो काफी परेशानी होती है, क्योंकि जब वो अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं, ड्यूटी जाते हैं या कहीं और किसी काम से जाते हैं, तो बाइक चलाना काफी मुसीबत भरा काम होता है, और ऐसे में हाथ बिल्कुल जो है अकड़न की तरफ पहुंच जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ठंड से जो आम लोग हैं उनकी परेशानी बढ़ी है, और साफ तौर पर जो श्वास के मरीज हैं उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ओपीडी में भी लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। उसका एक दूसरा कारण और भी है, क्योंकि लगातार जो पॉल्यूशन है वो 300 के पार अभी भी फरीदाबाद में बना हुआ है, एक तरफ ठंड और दूसरी तरफ बढ़ता पॉल्यूशन, तो दोहरी मार लोगों पर पड़ रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका राजेंद्र। राजेंद्र हमारे संवाददाता फरीदाबाद से मौसम की अपडेट्स दे रहे थे, बता रहे थे। और गगन सांगर हमारे साथ पिहोवा से है, उनसे जान लेते हैं। गगन बताइए, पिहोवा में क्या कुछ मौसम का और लोगों का मिजाज है?
बिल्कुल केशव, देखिए बात की जाए तो इस समय पिहोवा का जो टेम्परेचर है वो कहीं ना कहीं 12 डिग्री और 4 डिग्री तक जो है इसका टेम्परेचर जो पिहोवा का जा सकता है। लोग जो है धूप सूर्य देव के दर्शन के लिए तरस चुके हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए तो धुंध भी काफी जो है देखने को, रात हल्की बूंदाबांदी की वजह से जो है ठंड भी अधिक जो है बढ़ चुकी है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो शिक्षा विभाग के द्वारा भी जो है जो 16 तारीख से शुरू तो वो अब कहीं ना कहीं जो है कहीं ना कहीं अब 23 तारीख से ऑडियो है, वापस आऊंगा मैं आपके पास, आवाज नहीं आ रही आपके ठीक से, कुछ डिस्टर्बेंस है बीच में। बहुत शुक्रिया आपका जानकारियों के लिए।